मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आप लोगों के सामने अपने वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो काम मैंने बीच में पूरा छोड़ा था, आज पुनः उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने भारत के राष्ट्रपति श्रृंखला के अंतर्गत भारत के कुल 5 राष्ट्रपतियों के संबंध में आप लोगों के सामने चर्चा किया था। आज इस वीडियो में मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के 6 राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एवं भारत के 7 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की चर्चा करने वाला हूं। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले भारत के 6 राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के साथ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, प्रिय विद्यार्थियों, अगर इनके क्रम की बात की जाए कि इनका क्रम कौन सा है राष्ट्रपति के रूप में, तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले पॉइंट में कि राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम कौन सा रहा, तो छठा रहा। अर्थात ये भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी बात जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1969 ईस्वी में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। अर्थात कांग्रेस के समर्थन से ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन ये उस चुनाव को जीतने में असफल रहे और उस समय भारत के राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। अर्थात उन्हें किसी पार्टी का समर्थन नहीं था, फिर भी उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया और भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो यहां भी यह महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, कांग्रेस ने इन्हें समर्थन दिया था। लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी से चुनाव हार गए। बीबी गिरी से चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि 1977 ईस्वी में इन्हें जनता पार्टी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाती है, जनता पार्टी का इन्हें समर्थन मिलता है। तो अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नंबर चौथे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इस बात को कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी द्वारा इन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया।
और इस बार क्या होता है कि ये निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो पांचवें पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि 1977 ईस्वी के राष्ट्रपति के चुनाव में ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो पांचवें पॉइंट में इस चुनाव में ये निर्विरोध राष्ट्रपति बनते। और जानते हैं यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले व्यक्ति रहे। तो छठे पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले यह पहले व्यक्ति रहे। ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं। अब और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात की जाए जो इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा, तो सातवें पॉइंट पे हम लोग ये कह सकते हैं इनके बारे में कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है। इसके बाद अगर एक पॉइंट की और बात की जाए आठवें पॉइंट की, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के बाद ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। एक पॉइंट और महत्वपूर्ण होगा इनके बारे में, पॉइंट नंबर 9, कि यह भारत के दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति रहे। विद्यार्थियों, जब तक द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति नहीं बनी थी, तब तक नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद अब युवा राष्ट्रपति के मामले में इनका क्रम दूसरा हो गया और अभी भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति, अर्थात जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये था नीलम संजीव रेड्डी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर दोबारा एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे जिसका संबंध राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से होगा।